हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वाले वीडियो कुछ ज्यादा ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि गाइस आज की वाले वीडियो के अंदर मैं आपको अपने पिक्सेल लैब ऐप का यूज कर आपको कुछ इस टाइप की लोगो डिजाइन करना सिखाने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना, और जो भी चैनल में फटाफट नीचे जो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का प्यारा सा बटन नजर आ रहा है भाई, उस प्यारे से बटन को तोड़ दो भाई, गुस्सा करो प्यारे प्यारे यार, प्यारी चीज को ऐसे संभाल कर नहीं रखते वरना खो जाती है, ये बड़ों का कहना है। तो भाई जल्दी जाकर सब्सक्राइब के बटन को तोड़ देना और बाकी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगी, आपको अपना पिक्सेल ऐप ओपन कर देना होगा। तो एंगेज ऐप ओपन कर देने के बाद सबसे पहले आपको लोगो बनाने के लिए साइज चाहिए, एक प्रॉपर साइज होगी तभी हमारा लोगो जो है ठीक तरीके से बन पाएगा। और मैं भी आपको सही पर जरा से एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप से लोगो आपका बनने वाला है। साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको इस फोर्थ वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे कि भी आप देख सकते हो कि मैं क्लिक कर लिया हूँ, तो कर देने के बाद आपको थर्ड नंबर पर ही एक इमेज साइज का आइकन देखने को मिल जाता है। सुनिश्चित से इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। एंगेज क्लिक करने के बाद आपको इस कस्ट्यूम वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। एंगेज जैसे आप क्लिक कर लेते हो यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा साइजेस देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहली थी स्क्वायर, दूसरी प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर में, और जो थर्ड हमारी है वो है यूट्यूब चैनल बैनर, और फोर्थ है हमारी यूट्यूब थंबनेल। तो फोर्थ वाली साइज सिलेक्ट करके ओके में क्लिक कर देना होगा। यानी कि जैसे आप क्लिक कर लेते हो यहाँ से आपकी जो साइज है यूट्यूब थंबनेल की हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पर भी आपको क्या करना होगा, न्यू टेक्स्ट को सबसे पहले यहाँ पर इरेज करना होगा, तभी हम आगे लोगों जो है बना पाएंगे। तो इरेज करने के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर आपको एक पेंसिल के आइकन में डिलीट का आइकन देखने को मिल जाता है। सिंपल जैसे क्लिक कर देना होगा डिलीट दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन मार्क फिर तो मतलब कि सिलेक्ट जो है न्यू टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो सिंपल से ओके में आप जैसे क्लिक कर लेते हो तो आपका जो न्यू टेक्स्ट था मतलब ड्राइव हुआ पड़ा था वो अभी फिलहाल यहाँ पर इरेज हो चुका है, वो जो है मतलब कि मिट चुका है। तो सिंपल जब भी आपको क्या करना होगा, इस ऑक्टेव करने वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा यहाँ पर। तो एंगेज क्लिक कर देने के बाद अभी आपको इस इंपोर्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंगेज जैसे आप इसमें क्लिक कर ले तो यहाँ से आपकी जो गैलरी है वो प्रॉपर गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गैलरी से सिंपल से क्या करना होगा, आपको एक मतलब कि बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा, वुडन बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत जो डार्क थीम वाला नहीं होता है वुडन बैकग्राउंड, डार्क थीम वाला आपको इससे यार समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको वो सिलेक्ट करके नहीं दिखा लेता हूँ। राइट गेज जरा भी आप देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत डार्क थीम वाला यानी कि डार्क ही है भाई, तो वो सिलेक्ट कर लिया। तो सिंपल से क्या करना, इसको आपको उस टाइप से रोटेट कर देना हुआ, और इसकी जो साइज है यूट्यूब थंबनेल की कहकर राइट में। अब आप सोच रहे हैं मैं यूट्यूब साइज कौन सी है भाई, एक बात हो रही है, सिंपल सेकंड नंबर पर ही आपको मिल जाएगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये इसको ये यूट्यूब की साइज मतलब यूट्यूब थंबनेल की साइज, बस राइट में क्लिक कर देना। और अभी आपको क्या करना है, पूरे के पूरे इस पर स्क्रीन पर स्ट्रैप से आपको कुछ लगा देना होगा। तो लगा देना मतलब आपको उस लेयर वाले आइकन में क्लिक करके इसको यहाँ पर सिंपल से लॉक कर देना होगा। अब सोचेंगे भाई लॉक हम क्यों करें, तो लॉक इसलिए करना है ताकि हम जब भी फिंगर यहाँ पर मूव करें तभी ये जो बैकग्राउंड है यहीं पर अपना स्टिल खड़ा रहे एकदम, तो यहाँ पर मतलब के हिले नहीं, तो सिंपल यही बात है और कोई रीज़न नहीं है इसका। तो अगेन क्या करना होगी, अगेन आपको इंपोर्ट में क्लिक कर देना होगा। जी हाँ, अगेन क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, जैसे एक वुडन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा, बट इस पर जो होना चाहिए वो होना चाहिए थोड़ा बहुत वाइट थीम का, किस टाइप की वो मैं आपको सिलेक्ट कर दिखा लेता हूँ कि किस टाइप का आपको जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। राइट गेज अभी आप देख सकते हो मैंने वुडन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया, बट इस बार जैसा कि मैंने कहा था उसी मतलब कि थोड़ा बहुत वो है वाइट कलर का है जो ऊपर वाला होता है वो सरफेस वाला। तो सिंपल से इसकी जो साइज है वो यूट्यूब थंबनेल की सिलेक्ट करके राइट में क्लिक कर देना हो, तो राइट में क्लिक कर देना मतलब भी आपको इसको पूरा स्क्रीन पर कवर कर देना होगा। अब सोचे भाई डार्क वाला तो फिर ढक जाएगा वो, उसके ऊपर कवर आ जाएगा, तो आगे बता दूंगा कि किस टाइप से लोगो आपका बनने वाला है। सिंपल अगेन लेयर वाला आइकन क्लिक करके इसको मतलब कि लॉक कर देना होगा। तो एंड जब भी आपको क्या करना होगा, अगेन थर्ड टाइम इसमें क्लिक कर देना होगा, मतलब कि थर्ड टाइम ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा कि आपको एक वो सिलेक्ट कर देना होगा यार, PNG ब्लैक कलर की, बट उसको बोलते क्या है, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा लेता हूँ, कमेंट में जाकर जरूर बता देना को, मैं सेलेक्ट करके दिखा लेता हूँ कि कौन सी है वो PNG। ऑल्ड राइट जी इधर अभी आप देख सकते हो हमने PNG सेलेक्ट कर लिया, और इस PNG को बोलते पता नहीं क्या है, मैं मुझको पता नहीं भाई, इसको मैं PNG बोलने वाला हूँ अभी के लिए। तो भाई अगर आपको पता है कमेंट जाकर जरूर बता देना, और भाई गूगल मत करना पहले, अपने दिमाग से बता दो देखो आपको कितनी नॉलेज है इसकी। तो सिंपल से क्या करना होगा, आपको स्ट्रैप से इसको रोटेट कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसको क्या करना होगा, इसका जो फेस है इस तरह से ऊपर को होनी चाहिए। तो सिंपल से अभी आपको क्या करना होगा, इस रिलेटिव पोजिशन वाले आइकन में क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको सेंटर पर सेट करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो एंगेज क्लिक कर देने के बाद अभी आपको अगेन लेयर वाले आइकन में क्लिक करके इसको भी यहाँ पर आपको लॉक कर देना होगा, मतलब कि तीनों को लॉक कर देना होगा। सिंपल से इस ए वाले आइकन में क्लिक करके इस टेक्स्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंगेज जैसे आप कर लेते हो तो आपका न्यू टेक्स्ट यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा। सिंपल से इसमें डबल क्लिक कर यहाँ पर आपको अपना कीबोर्ड ओपन कर देना होगा। तो एंगेज ओपन कर देने आपको सिंपल से आपका नाम या कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि भी आप देख सकते हो मैंने अपना नाम टाइप कर लिया हूँ। सिंपल इस स्टेप से आपको थोड़ा बहुत नीचे आ जाना, थोड़ा बहुत और नीचे आकर इसे ए बी यानी कि फॉन्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड जैसे आप क्लिक कर ले तो यहाँ से आपका जो फॉन्ट है ओपन हो जाएगा। सिंपल से क्या करना होगा, इस पर आपको ये वाला फॉन्ट लगा देना होगा, जिस फॉन्ट का नाम है
सेक्टर, बिल्कुल सही। तो ये वाला फोन इस पर लगा देना होगा। तो गाइस सेक्टर वाला फोन इस पर लगाकर ओके में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपको जो प्रॉपर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टाइल में थोड़ा बहुत आ जाएगा। और सिंपली क्या करना होगा, आपको आए यानी कि पेंटिंग वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। थोड़ी थोड़ी इसकी पेंटिंग बना देनी होगी ताकि आपका जो लोगो है मतलब नेम है सही तरह से नजर आ जाएगा। तो सिंपल अभी आपको क्या करना होगा, इस टेक्स्चर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको इस गैलरी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक कर ले तो आपको अभी क्या करना होगा, आपको वो वाला जो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट नहीं करा था, जिसका मतलब कि वो सरफेस वाला बैकग्राउंड था, थोड़ा बहुत वाइट कलर में डार्क थीम वाला नहीं था, तो वही आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा। मैं सिलेक्ट करके मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो ऑल राइट के इधर अभी आप देख सकते हो मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँ। सिंपल इसकी साइज इंक्रीज करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप कर देते हो आपका जो टेक्स्ट का कलर था वो वुडन हो जाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो सिंपल आपको ऊपर राइट में क्लिक कर देना होगा। और एंड गाइस इतना कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपल न्यू टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करके स्टेप से थोड़ा बहुत आपको नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इस स्ट्रोक वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। फिर क्या करना होगा, इनवेल्ट को ओपन कर देना होगा। इसकी जो इनवेल्ट में मतलब स्ट्रोक ब्रिथ है वो यहाँ पर आपको कर देनी होगी 31% या 30% कर देना होगा। सिंपल फिर राइट में क्लिक कर देना होगा। राइट में क्लिक कर देने के बाद अभी आपको ऊपर इस लेयर वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने मतलब आपको इस राइट और एक्स वाले आइकॉन में क्लिक कर अभी आपको क्या करना है, सिंपल से व्हाइट बैकग्राउंड को, व्हाइट वुडन बैकग्राउंड को, सिंपल से मतलब PNG का और अपने नेम को, तीनों को आपस में मर्ज कर देना होगा। जैसे कि भी आप देख सकते हो, आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो हो भी चुके हैं भाई। तो सिंपल से क्या करना होगा, ऑक्टोकन वाला आइकॉन में क्लिक कर स्टेप से आपको थोड़ा बहुत नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद अभी आपको इस इरेज कलर वाले आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो एनवेल को ओपन कर देना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, इसे ये जो आप पेंसिल वन के मतलब के राइट में देख पा रहे हो, पेंसिल नहीं पता नहीं क्या है इसमें, सिंपल से आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर देना होगा। तो एंड की जैसे आप यहाँ पर राइट में क्लिक करोगे भाई, मजा ही आ जाएगा लोगों को देख कर। सिंपल जैसे कि अभी आप देख सकते हो प्रॉपर इरेज हो चुका है। सिंपल से राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिंपल से इसे स्ट्रोक वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद इनवेल्ट को ओपन कर देना होगा। इसका स्ट्रोक का जो कलर है यहाँ पर आपको ब्लैक सिलेक्ट कर देना होगा। इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है यहाँ पर 1% करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो कर देने के बाद अभी आपको इस कलर फिल्टर वाला आइकॉन में क्लिक करके इसकी थोड़ी बहुत आपको सेचुरेशन बढ़ा देने की। तो बढ़ा देने के बाद सिंपल से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने पर स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे आकर 3D शेप वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। इनवेल्ट को यहाँ पर आपको ओपन कर देना होगा। इसकी जो डीप थे गहराई है वो आपको सिंपल से कर देनी होगी 7%, बिल्कुल सही। तो डार्कनेस जो है वो आपको 50 के ऊपर ही रख देनी होगी। जो फिर सिंपल से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने मतलब कोई शेडो वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। इनवेल्ट को यहाँ पर आपको ओपन कर देना होगा। तो ओपन करने पर इसकी जो ब्लर रेडियंस है यहाँ पर आपको कर देनी होगी 5%, ठीक है ना। 5% कर अभी आपको क्या करना है, सिंपल इसकी जो ऑफसेट एक्स है उसको कर देना होगा आपको 14%, और ऑफसेट वाई जो इसको कर देना आपको 10%। सिंपल फिर राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने मतलब भी आपको इस लेयर वाले आइकॉन में क्लिक करके इसको लो कर देना होगा। तो ऑल राइट के इधर अभी आप देख सकते हो आपका लोगो यहाँ पर प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो चलो भाई इधर आज की साल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार सब्सक्राइब कर देना, आज पता नहीं आउट्रो क्यों क्या ही हो गया यार, सही तरह कैसे करने भाई। तो कर लेते हैं यार, अभी वीडियो चल रहा है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी से जाकर लाइक जरूर कर देना, और जो भी फटाफट जिन चीज़ों को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है उसको जल्दी से जाकर तोड़ देना। और यार बस कर दो चिड़िया यार, सॉरी इसके लिए, गार्डन में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ और मेहनत करता हूँ यार, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरा व्लॉग देखना है तो भाई व्लॉग के लिए जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉगिंग करने के, एक चैनल भी क्रिएट करना का सोच रहा हूँ। तो भाई कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी गार्डन भी दिखा रूंगा, बहुत मस्त नज़ारा है भाई जो मैं देख रहा हूँ ना अभी, लोगों बनाने में मजा ही आ रहा है। चलो भाई यार मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।